हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कैनवा काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है थंबनेल्स बनाने के लिए, यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, बेसिक वीडियोस बनाने के लिए, कुछ कूल इफ़ेक्ट्स देने के लिए, और इवन प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, ये सब बनते हैं कैनवा में। और मुझे काफ़ी दिन हो गए थे कोई नया सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर किए हुए, तो मैंने सोचा कि कैनवा ट्राई करते हैं। बट फर्स्ट टाइम मैं रियल टाइम रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ चैनल पे, जिसका मतलब है कि जो भी स्क्रीन पे होगा वो रियल टाइम होगा और मैं साथ में बोलूँगी। यूजुअली जब भी मैं पावर पॉइंट का कोई भी ट्यूटोरियल डालती हूँ तो मैं हमेशा एंड में बोलती हूँ कि कीप एक्सप्लोरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उससे मेरा क्या मतलब है वो आज के वीडियो में आपको चमक जाएगा। तो यहाँ पे ना ही मैंने कैनवा कभी किया है, ना ही मैंने उस पर कोई अकाउंट बनाया है। दो तीन दिन से वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे इंटरफेस समझने के लिए कि कैसे होता है और एक्चुअली कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं ये वीडियो 30 मिनट्स पे रोक दूंगी, क्योंकि 30 मिनट्स बहुत होता है फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट डे के लिए। बट क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आज चमक जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ पावर पॉइंट का यूज़ करते हुए, जिसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे ये जो आएगा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जाएंगे और सर्च करेंगे कैनवा। सो वी हैव कैनवा, दोनों ओपन करके देख लेते हैं। मेरी आवाज़ बीच बीच में अगर कम हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी। फ्री टेम्पलेट्स एंड कैनवा, चलो इस पे ट्राई करते हैं। अब क्या क्या होता है? पोस्टर्स, लोगो, प्रेजेंटेशन, वीडियो, फ्लायर्स, कार्ड्स। सही है ये तो। ओके, तो हमें क्या करना है? कुछ सिंपल सा लेते हैं ऑप्शन। कार्ड्स, पोस्टर्स, अगर ये विजुअल इफेक्ट कैनवा में होता है तो इट्स एक्चुअली कूल। वीडियोस, फ्लायर्स, कार्ड्स, शुरू किससे करें? बिजनेस कार्ड्स, टी शर्ट्स। ओके, एंड में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप वहाँ से शॉर्टलिस्ट ना कर पाए तो। कुछ ऐसा फोटो जैसा नहीं है इसमें? लोगो, पोस्टर, बिजनेस कार्ड, इसमें प्रिंट, फोटो एडिटिंग। लेट्स सी फोटो एडिटिंग। क्रिएट स्टनिंग डिज़ाइंस। ओके, इससे तो बात नहीं बनेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। डिज़ाइन बेटर टुगेदर, बट ये अलग कैनवा है। क्या है ये? डिज़ाइन का ऑप्शन कहाँ है इसमें? टेम्पलेट्स में जाके देखते हैं। लुकिंग टू कोलैबोरेट विद योर टीम ऑन कैनवा। कहाँ है टीम? हमने तो शुरू भी नहीं किया है कैनवा अभी तक। इनविटेशन, फोटो 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 फोटो, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब के लिए तो अलग से कस्टमाइज्ड है ये। इंस्टाग्राम पोस्ट कर लेते हैं। चलो कहीं तो पहुंचे जहां पे ऑप्शन है क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, लेट्स क्रिएट। क्या आता है देखते हैं। लर्न टू डिज़ाइन विद कैनवा। यहाँ पे एक 2 मिनट का वीडियो प्ले होगा जो मुझे नहीं देखना है, आप चाहे तो देख सकते हैं। स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, नेक्स्ट, कस्टमाइज एन एलिमेंट, ओके, अपलोड योर ओन इमेज, ओके, डाउनलोड, शेयर, ऑर्डर, गॉट इट, ओके। सो टेम्पलेट, टेम्पलेट में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं।
बर्थडे भी नहीं आ रहा है मेरा तो, क्या लें। हैप्पी न्यू ईयर भी गया, ये ले लेते हैं। मुझे नहीं पता किसका जन्मदिन है, बट इंस्टा पे बट इंस्टा पे डाल रहे हैं ना, जन्मदिन का क्यों डालेंगे ना। ये बनाते हैं, हेलो देयर। ओके ये तो हो गया। अब ये है एड पेज, ये है डुप्लीकेट पेज। ओके ओ ओके, इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या? कॉपी पेस्ट डिलीट सेंड बगन ग्रुप अनग्रुप। अच्छा अब हो गए इसके टुकड़े टुकड़े। यहाँ पे ये जो आ रहा है इसका ये क्यों है? ओ ओ देखो समझो ज़रा ज़्यादा बड़ा हो गया। ये जो डिज़ाइन है इसके काफ़ी पार्ट्स हैं, ये जो वाइट वाइट लाइन है ये एक है, ये इसका है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर है, इसका अलग होगा। तो अब ये अनग्रुप हो गई है और आप इसमें से कुछ भी हटा सकते हैं। नाइस। और ये हमारी मेन फ़ोटो है जिसको आप रोटेट कर सकते हैं, तो फिर इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग है, राइट? ठीक है, डुप्लीकेट कर लेते हैं पहले बिफोर डूइंग चेंजेस। ओके डुप्लीकेट हो गया। अब कहाँ गया इसका वो रोटेशन वाला, सीधा करते हैं इसको। हाँ ठीक है, गॉट इट, हटो। ठीक है अब यहाँ पे मुझे अगर फोटो डालनी है तो क्रॉप एडजस्ट फिल्टर, फिल्टर में क्या है? जो सिलेक्टेड है वही फिल्टर में आएगा क्या? अच्छा क्रॉप, ओके जब आपने क्रॉप किया तो आपको वो पूरी शेप नज़र आ रही है जो कि एक्चुअली बैकग्राउंड में थी। ठीक है कैंसिल। एनिमेट, एनिमेट से क्या होगा? वो मूविंग है एक्चुअली, जैसे पावर पॉइंट में हम लोग एनिमेशन में प्रिव्यू करते हैं वैसे ही हो रहा है, यानी इसको आप ऐसे वीडियो भी सेव कर सकते हैं। नहीं फोकस करते हैं, लेट्स फर्स्ट डू दो एडिटिंग। अब अपलोड, एक सेकेंड। लोगो डालूँ अपना? मैं ये पॉज करती हूँ। ओके मैंने लोगो स्क्रीन पे, ओके तो अब हम अपलोड करेंगे। अपलोड एन इमेज, साइन इन टू अपलोड, दिस इज़ चीटिंग। एक सेकेंड मैं साइन इन करती हूँ, साइन अप विद गूगल एंड ऑब्वियसली वी आर साइनिंग विद फाइनली चमका। मैंने ऐसे ही बना दिया था उसका अकाउंट और तब से वही चल रहा है। पासवर्ड आई होप सही हो, सही है, ये सही है। सो मेरे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो मैंने किया इससे, ट्राई कैनवा प्रो फॉर फ्री। नहीं नहीं चाहिए। ओके क्या कर रहे थे हम लोग? अपलोड, अपलोड मीडिया, लैपटॉप, ये है डिवाइस। आप चाहें तो इन सब से भी ले सकते हैं, बट इंस्टा पे तो हमें पोस्ट करना है, वहाँ से लेके वापस क्या ही पोस्ट करेंगे। सो लेट्स गो टू डिवाइस, डेस्कटॉप। हम तो हमारा यूट्यूब लोगो चिपकाएंगे। अब इसको डालूँ कैसे? ओह नाइस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है कि ऑफ? ऑन है।
मैंने इसे ड्रैग किया और मैंने फ़ोटो की जगह पे डाला, सी ये आ गया है यहाँ पे। एंड अब मैं इसको रोटेट करूँ, रोटेटेड, बट ये वाइट बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है इसका, बट फ्रेम की तरह अगर यूज़ कर रहे हैं तो चल जाएगा। एंड हेलो देयर, क्रॉप, आई विल क्रॉप, ओके क्रॉप कर सकते हैं हम, बट ना ये फ्रेम वाला अच्छा लग रहा था एक्चुअली। ये अच्छा होता अगर ये सिर्फ इस फ्रेम में आता। आ गया, ओके, सो नाउ आई कैन जस्ट यूज़ दो। ये फ्रेम का साइज़ छोटा बड़ा नहीं होता क्या? होता है, चल जाएगा। थोड़ा सा ब्लैक बॉर्डर लेके, एक्चुअली इसी को छोटा कर देते हैं वैसे, या फिर एक काम करते हैं हम इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। वेट, ये हमने किया कॉपी, लेआउट पेस्ट, पता नहीं होगा भी कि नहीं। हाँ कलर में था ना, कलर में ट्रांसपेरेंट कलर सेट, ट्रांसपेरेंट एंड वी आर सेटिंग दिस इज ट्रांसपेरेंट एंड नाउ इंसर्ट अ शेप। यहाँ पे हमने एक शेप इंसर्ट की, लेट्स सी, सेंड टू बैकग्राउंड, ओ हो गया, फिल ब्लैक, ये बेटर है। अब इसको कंट्रोल ए, राइट क्लिक, सेव एज पिक्चर, एंड डेस्कटॉप, ब्लैक बैकग्राउंड, जेपेग या टिफ मेरे को पसंद है ऐसे ही। हम कहाँ गई, ये रही, इसको करेंगे। तुम जाओ यहाँ से, अपलोड अ मीडिया डिवाइस एंड देन द ब्लैक लोगो, ये। अब हम इसको हटाएंगे और इसको डालेंगे। अरे पहले ज़्यादा अच्छे से आया था। टेम्पलेट्स, ये वाला लेते हैं। क्या किया था, इसको क्लिक किया था एंड अनग्रुप किया था, फिर ये फ़ोटो मैंने हटाई थी, फिर अपलोड में जाके इसको ले आना। और ये पूरे में क्यों आता है? और कुछ है क्या इसमें? कुछ था, रिप्लेस बैकग्राउंड, क्या हुआ ये सारा ही चला गया। कंट्रोल जेड, अंडू, चलो डाल के देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली आपको समझ गया होगा ना क्या चाहिए मेरे को, मेरे को वो फ्रेम चाहिए और वहाँ पे वो जो फ़ोटो थी उसकी जगह पे मुझे इसकी फ़ोटो चाहिए। थोड़ी देर पहले हो गया था। तो इसका बेस्ट पार्ट ये लगा कि आप टेम्पलेट कितनी बार भी डाल सकते हैं। वन ग्रुप, धीरे धीरे ट्राई करते हैं। ओके तो लड़की की जगह पे तो ये फोटो आ गई है, बट इसमें जा, ओ चली गई, क्या किया मैंने? देखो वापस से देखते हैं।
ये हमारा टेम्पलेट है, फिर इस टेम्पलेट को यहाँ पे अनग्रुप कर दिया, फिर ये जो फ़ोटो है इसको मैंने आधा यहाँ निकाला, तो ये एक फ्रेम हो गया और ये पूरी एक फ़ोटो है। मुझे इसको रिप्लेस करना था और मैं तब से इसको रिप्लेस कर रही थी। अब अपलोड्स में जाएंगे, मैंने यहाँ से ये लोगो लिया और मैंने ये इसको रिप्लेस किया। सो नाउ अब ये हो गया और अब एग्जैक्टली ये इसमें फिट हो गया। ये अब जैसे इसका डुप्लीकेट करते हैं और अब मैं इसको ऐसे रखूँगी हाफ में, और अब ये वाइट वाला लूँगी जो मेरे को स्टार्टिंग में करना था। और अब इसको इसमें गए तो इसने पूरे फ्रेम को रिप्लेस किया, इसमें जाएंगे तो ये छोटे फ्रेम को रिप्लेस करेगा, और अब ये छोटा फ्रेम यहाँ पे आएगा। अब अगर मैं इसका साइज़ चेंज करूँगी तो इक्वली मुझे ब्लैक बैकग्राउंड भी दिख जाएगा। ओके, दिस इज़ मच बेटर, इससे तो काफ़ी अच्छा है। इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। ओके, सॉर्टेड। तो बेसिकली जैसा आपका टेम्पलेट था वैसा तो मिल गया। यहाँ पे अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हेलो देयर नहीं बोलती हूँ मैं, हेलो एवरीवन बोलती हूँ। सो हेलो एवरीवन, मच बेटर। बट इन केस अगर आपको ये चेंज करना हो तो भी होगा कुछ, तो ये रहा कैलीग्राफीज। यही अच्छी है, यानी बेसिकली यहाँ पे कैलीग्राफी का ऑप्शन भी है। हो ये फ्री में नहीं मिलेगी, नहीं हमें फ्री वाली चाहिए। ओके, जिसके सामने ये सिंबल है ये फ्री में नहीं मिलेंगी, उसके अलावा वाली फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, हम फ्री वाली से खुश हैं। और साइज़ बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कलर तो ब्लैक ही ठीक है। ओके डन। तो जैसा ये टेम्पलेट था उसको हमने एडिट कर लिया, इन केस इनका अगर कलर चेंज करना हो तो बैकग्राउंड का। सो लेट्स मेक इट रेड, नाइस, लेट्स मेक इट ब्लैक एंड रेड। एक सेकेंड, इससे पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ। देखो ये मैं स्लाइड्स में भी हमेशा करती हूँ, जब कुछ ऐसा फालतूगिरी करनी हो तो उसको मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ। ये हो गया, अब इसको देंगे हम लोग ब्लैक, नहीं ब्लैक अच्छा नहीं है, मरून। और दिस थ्रेड कैन बी ब्लैक। ओके, ये थ्रेड भी दो दो हैं, नाइस। तो अगर मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँ, ओ कॉपी हो गया, तो मैं इसको कहीं और पे भी तो डाल सकती हूँ ना ऐसा। पूरे में बना दूँ। यहाँ पे कहीं सेंड टू बैक का ऑप्शन भी आया था, सेंड बैकवर्ड। हाँ तो ये फ़ोटो के पीछे चला गया बट फ्रेम के पीछे नहीं गया, तो एक बार और करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड, और फ्रेम के भी पीछे चला गया। बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह ही हो रहा है इसमें। अब ये थ्रेड तो आधा गायब ही हो गया जो हमने बनाया था, तो मैं इसे रोटेट कर देती हूँ ताकि कुछ दिखे। इजी है, बहुत इजी है, सच्ची बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ एंड इट्स एक्चुअली इजी। अब ये मैंने पोजीशन भर दिया, अब मैंने इसकी एक और कॉपी बनाई, और कहाँ ले जाऊँ, रेड पे ले जाती हूँ। धीरे धीरे जा रहे हैं बहुत, लेट मी ड्रैग इट, ऐसा ब्लैक भी चलेगा। और हमें दो बार इसे सेंड बैक करना है, एक बार करेंगे फिर एक और बार करेंगे, गया ही नहीं, एक और बार करना है क्या। 3 बार चला गया, नाइस। इसके अलावा लेट्स सी अदर टेम्पलेट्स फॉर यू। ओके, किसी और टेम्पलेट से कुछ और उठाना है। बट हाँ उससे पहले इसका डुप्लीकेट बना लो, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने नोटिस किया था कि फर्स्ट वाला रिप्लेस हो जाता है। जैसे अगर ऐसा किया तो फर्स्ट वाला रिप्लेस हो जाएगा, तो अपना पहले ही 2-3 कॉपीज बना लेते हैं हम लोग। किससे क्या लें। ये हैप्पी बर्थडे वाले में बनाया था मैंने। नहीं दिस इज़ नाइस, ये लेते हैं। अब कुछ है ग्रुप अनग्रुप, ये तो ग्रुप है। ओ ये अलग अलग है, ठीक है। तो देखते हैं एक टेम्पलेट से दूसरे में जा सकता है कि नहीं। ये मैंने पकड़ा ड्रैग किया और ये
आ गया। ये तो बहुत सही है। हाँ इसकी कॉपी बना देती हूँ मैं। नॉट बैड। अब देखो ये डिज़ाइन इसके साथ आपको नहीं मिलेगा, बट आप किसी और डिज़ाइन में जाके अगर कुछ आपको चाहिए तो कर सकते हैं। कलर्स हमें थीम से मैच कराने हैं, सो लेट्स सिलेक्ट समथिंग। ये इससे थोड़ा लाइट कर देते हैं और ये और भी हो जाए सिलेक्ट, और भी लाइट कर देते, बट ये तो बैकग्राउंड में मिक्स हो जाएगा। ये ले लेते हैं सी। बल्कि इसको तो इसमें ले जाना चाहिए, ब्लैक वाले में, यहाँ पे। नाइस। तो बेसिक एडिटिंग तो एक्चुअली काफ़ी इजी है। ये हमें नहीं चाहिए, इसमें से अगर आपको कुछ चाहिए टेक्स्ट बैकग्राउंड तो ले सकते हैं, बट हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये भी हमें कौन सा रखूँ, पहला और दूसरा तो सेम है ना, वो तो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था। ये भी अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली, इसको हटा देते, इसमें कुछ एडिटिंग नहीं है। तो ये दो है हमारे पास, ठीक है। और बैक ऑप्शंस काफ़ी है, मतलब अगर आप प्रो लेंगे तो और भी ऑप्शंस मिलेंगे, बट यहाँ पे भी काफ़ी है यार। मतलब सिर्फ इसको हटा के मैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे मैं इसको हटा के अपना जो मैसेज है बस उतना लिख सकती हूँ। हो गया। तो बेसिकली आप ये बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के कस्टमाइज बैकग्राउंड पावरपॉइंट में अवेलेबल नहीं है, पर आप उन्हें बना सकते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे सारे टेम्पलेट्स हैं, मैं ले सकती हूँ कोई ना कोई ट्यूटोरियल के लिए, बट फिलहाल ये सब नहीं करते। हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये है हमारा। अब देखो, जो जब मैंने सेलेक्ट किया तो वो जो हमारे पास दो ऑप्शन थे ना, उसमें से एक वो रिप्लेस हो गया, क्योंकि वो फर्स्ट वाले पेज को रिप्लेस कर देता है, और जब मैंने डिलीट किया तो डिलीट हो गया। आई होप कंट्रोल जेड से आ जाएगा वापस। कंट्रोल सेट वर्क करता है यहाँ पे, अंडू है कंट्रोल जेड या कंट्रोल जी, जो भी है। सो लेट्स डाउनलोड हमारे इंस्टाग्राम का पोस्ट। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, PNG, ओके, आप अलग अलग वो ले सकते हैं, PNG सजेस्ट कर रहे हैं तो ले लेते हैं। ओके, अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे है निशान, इसका मतलब है फ्री ट्रायल में नहीं है, मतलब प्रो में है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, हो रहा है डाउनलोड, जिप बनेगा क्या? ओके, मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, अनजिप कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट यहीं पे, जो भी है दो आने चाहिए। अब ये आ गया। कैनवा का वाटरमार्क आता है क्या? नहीं आता। नाइस, सही है। मतलब मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाने तो आ गए, अब अकाउंट बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी फ़ोटो होगी तो और अच्छी लगेगी, फॉर इंस्टाग्राम टू बी स्पेसिफिक। तो बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपके पास प्रो नहीं है तो भी ये एडिट हुआ, और उसके साथ यहाँ पे मुझे वाटरमार्क भी नहीं दिख रहा है, तो आई गेस नहीं आता होगा। यहाँ पे कुछ तो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बंद कर दिया। आज के लिए इतना काफ़ी है, मतलब मैं थोड़ी देर बाद एक और अटेम्प्ट करूँगी, कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ये तो बहुत सिंपल हो गया, मतलब ज़्यादा ही सिंपल हो गया। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कीप एक्सप्लोरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड कोई भी वो सॉफ्टवेयर जो आप काफ़ी दिन से सीखना चाहते हैं, बस यही सोच के नहीं सीख रहे हैं कि टफ़ है या ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए,
कैनवा की तरह ऑनलाइन है तो ऑनलाइन प्ले कर दीजिए, बट जस्ट स्टार्ट। बाय बाय।